Well, this is them and welcome to my channel. If you're new here, hi, and if you've already been here, thank you so much for returning back. In today's video, I'm gonna show you how you can do your makeup in only 3 steps, and it was not a clickbait. I'm gonna show you how you can do your makeup in 3 steps in real, and that too in a very easy way. Also, बहुत ही ज़्यादा quick होगा because of course सिर्फ 3 step है. लेकिन disclaimer, हम 3 steps में जो भी करेंगे, उसमें I'm not including any color to my face, no eyeshadow, no eyeliner, no lipstick. Okay? वो extra steps में आएंगे, जिसके बारे में भी मैं बात करूँगी. But in 3 steps में only and only base makeup है. And also ये makeup बहुत ज़्यादा heavy dewy makeup के लिए नहीं है. ये basically daily wear makeup type का है, जो आप office में भी पहन सकोगे, जो आप school में जाते हो, college में जाते हो तब wear कर सकते हो, या फिर अगर आप डेली लाइफ में वेयर करना थोड़ा सा मेकअप पसंद करते हो तो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा. ऑल्सो मैंने सोचा सिर्फ 3 स्टेप का एक ट्यूटोरियल बनाने में तो बहुत छोटू सा वीडियो बनेगा, तो इसके लिए हर स्टेप में साथ साथ आपको मैं कुछ अफोर्डेबल मेकअप के प्रोडक्ट्स रिकमेंड भी करती रहूँ, ताकि आपको यू नो ढूंढने में ईजी रहेगा. एंड मैं आज स्पेसिफिकली सिर्फ ड्राई एंड ऑयली स्लैश सेंसिटिव स्किन के बारे में बात करने वाली हूँ. आई बिलोंग फ्रॉम एन ऑयली टू सेंसिटिव स्किन टाइप, एंड ड्राई स्किन के स्टेप्स मैंने खुद के ऊपर ट्राई नहीं किए हैं. वो सब मेरे नॉलेज या आइडिया से मैं बताऊंगी. जो भी ऑयली एंड सेंसिटिव स्किन के जितने भी पार्ट होंगे वो मैंने खुद के ऊपर ट्राई किए हैं. ट्रेन आ रहा है, मुझे बहुत फटाफट बोलना पड़ेगा, सॉरी. बट हाँ, यही है बेसिकली इस मेकअप ट्यूटोरियल में. तो अगर आपको जानना है कि आप कैसे सिर्फ 3 स्टेप्स में अपना डेली वेयर मेकअप कर सकते हो बहुत ईजिली और बहुत ही ज़्यादा कम प्रोडक्ट्स के साथ, तो और देरी ना करके लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. तो 3 स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप होता है स्किन केयर या फिर स्किन प्रिपेयरिंग बिफोर मेकअप. तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी है. आप हैवी मेकअप करो, लाइट मेकअप करो, मीडियम मेकअप करो, जैसा भी मेकअप करो, स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन अगर आप मेकअप ना करो तो भी स्किन केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ स्किन केयर में वी हैव अ लॉट ऑफ स्टेप्स, ओके, नॉर्मली जनरली जो हम करते हैं. आपके पास अगर उतना टाइम है बहुत अच्छा होगा कि आप अपना सारा पूरा सारा और पूरा स्किन केयर अच्छी तरह से कर लो मेकअप के पहले. बट बाई चांस अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं है तो मॉइस्चराइजर या फिर प्राइमर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास 5 मिनट का भी टाइम है रेडी होने के लिए तो फिर आप मॉइस्चराइजर फिर प्राइमर यूज कीजिए फर्स्ट स्टेप के लिए, जो कि प्रिपरेशन ऑफ द स्किन. लेकिन अगर आपके पास 5 मिनट भी नहीं, आपको बस ऐसे तैयार होना है, तब फिर दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा जरूरी है. अब ड्राई स्किन के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप बहुत ज़्यादा थिक मॉइस्चराइजर खरीद के रख लो अपने पास, ताकि जब भी आपके पास ऐसा सिचुएशन आएगा आप तुरंत बस वो थिक मॉइस्चराइजर लगा के अपना मेकअप कर सकते हो. और अगर आपके ऑयली स्किन है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक प्राइमर यूज़ करो, बिकॉज हमारा फेस बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रेट करता है. तो मैटिफाइंग प्राइमर अगर आप यूज़ करोगे तब फिर आपका जो भी ऑयल सिक्रेशन है कम होगा और आप ज़्यादा देर के लिए फ्रेश लुक रख सकोगे अपने फेस पे. एंड ड्राई स्किन में तो ऐसे भी उतना ऑयली नहीं होता, तो दे कैन यूज अ थिक मॉइस्चराइजर ताकि उनका स्किन हाइड्रेटेड लगे. नाउ द डिफरेंस बिटवीन ऑयली एंड ड्राई स्किन इज ड्राई स्किन कभी भी ऑयली नहीं लगता, लेकिन फिर वो कभी भी हाइड्रेटेड नहीं रहता. ऑयली स्किन वो हर टाइम हाइड्रेटेड रहता है, लेकिन फिर हर टाइम ऑयली भी रहता है. तो आपको अपने लिए मॉइस्चराइजर या प्राइमर ऐसा खोजना पड़ेगा ऑयली स्किन के लिए जो आपके स्किन पे मैट हो, ताकि वो आपका ऑयल सिक्रेशन को कंट्रोल में रखे. एंड अगर आप ड्राई स्किन के हो तो फिर आपको मॉइस्चराइजर या प्राइमर ऐसा खोजना पड़ेगा जो आपके स्किन को हाइड्रेशन दे, ताकि वो सपल एंड फ्रेश लगे, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रेकी रूखा सूखा नहीं लगे बेसिकली. सिंस आई बिलोंग फ्रॉम ऑयली स्किन टाइप, आई एम गोइंग टू यूज दिस प्राइमर. दिस इज मेबेलिंस फिट मी मैट प्लस पोरलेस नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप प्राइमर, एंड इट्स प्राइमर विद क्ले एंड इट इज वेरी वेरी नाइस. आई हैव यूज दिस फॉर 2-3 बार मैंने यूज़ किया है एंड आई रियली रियली लाइक इट. बहुत बार नहीं किया, हैवी मेकअप के नीचे नहीं किया तो आई कैन नॉट सजेस्ट यू गेट, बट आई रियली रियली लाइक दिस प्राइमर. ऑल्सो ड्राई स्किन हैवी मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकता है और प्राइमर भी यूज़ कर सकता है जो स्पेसिफिकली ड्राई स्किन के लिए बने हैं. जैसे ये स्पेसिफिकली ऑयली स्किन के लिए बना है, इसी का और इंग्रेडिएंट आता है जो ड्राई स्किन के लिए बना है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. और अगर आप प्राइमर यूज़ करो तो ट्राई करें कि आप ऐसा प्राइमर खोजें जिसमें हल्का सा ना टिंट भी हो. यू नो मेकअप टिंट हो सकता है या नॉर्मल व्हाइट टिंट हो सकता है, बट थोड़ा टिंट हो तो आपका फेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रेश लगने लगेगा सिर्फ प्राइमर लगाने के बाद. आई कैन सजेस्ट यू सम गुड प्राइमर्स लाइक लैक्मेज एब्सोल्यूट प्राइमर, इट्स रियली रियली गुड. एंड ऑल्सो वो हल्का सा टिंटेड है तो आपका बेस का 50% काम प्राइमर ही कर देगा. एंड मेबेलिन का भी प्राइमर है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा थिक भी है एंड ऑयली एंड ड्राई दोनों के लिए अच्छा है. वैसे मैं ज़्यादा लाइक जो भी मैंने यूज़ किया अभी तक मैं सबको नीचे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं. मैं हर एक स्टेप के लिए कुछ अच्छा अच्छा प्रोडक्ट रिकमेंडेशन एंड सजेशन वहाँ लिख दूंगी, तो यू कैन गो एंड चेकआउट. क्योंकि मुझे अभी सारा याद नहीं है, बट मैंने कुछ कुछ यूज़ किया तो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ. जो मुझे याद रहेगा मैं वीडियो में आपको बताती जाऊँगी, और जो मुझे याद नहीं रहेगा वो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं. तो मैं क्विकली ये प्राइमर यूज़ कर दूंगी. सिंस मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है तो मैं प्राइमर को ही सिर्फ लगा रही हूँ, तो मैं अपने होल फेस पे बहुत अच्छी तरह से प्राइमर लगा लूंगी. ओके, प्राइमर इज डन.
Now let's move to the second step. The second step is concealing or correcting. Now दोनों में difference है, दोनों में ये difference है कि अगर आपके dark circles है या face में बहुत ज़्यादा pigmentation या dark spots है, marks है, तो फिर आपको color correct करना पड़ेगा, because तब आपके वो सारे दाग हट जाएंगे and that will be all, like वही आपको चाहिए अपने skin को fresh look, like fresh look देने के लिए. And अगर आपके skin में नहीं है उतने दाग, बहुत ही simple है, बस आपको थोड़ा सा you know brighten करना है अपने, like fresh करना है अपने look को. जैसे under eyes में कुछ भी हो, थोड़ा discoloration होता ही है, सबका होता है, तो वहाँ आप थोड़ा सा you know correct करना चाहते हो ताकि आपको एक fresh look मिल जाए, तब only concealer is okay. But अगर आपके face में ज़्यादा marks है सिर्फ वो discolorations के अलावा, तो you have to use a corrector. Okay, अब मेरे जनरली बहुत सारे मार्क्स होते हैं, आज उतने नहीं है, मेरा स्किन थोड़ा हद तक क्लियर हो रहा है, तो आई थिंक मैं सिर्फ कंसीलर लगाऊंगी. लेकिन अगर आपके बहुत सारे पिगमेंटेशन है तो आप करेक्टर यूज़ करेंगे. अब करेक्टर में बहुत सारे शेड्स होते हैं, आपको जो शेड्स मेनली चाहिए वो है सिर्फ एक लाइट ब्राउन टाइप का शेड या पीची शेड और एक ग्रीन शेड, और आपको कुछ भी नहीं चाहिए. जैसे कि मेरे पास ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का पैलेट है, इसमें से आपको सिर्फ ये लाइट ब्राउन एंड ये ग्रीन शेड चाहिए, और आपको कोई शेड नहीं चाहिए, तो आप ये ले सकते हो, या फिर आप नॉर्मली कोई भी आपके एग्जैक्ट स्किन टोन का कंसीलर और एक ग्रीन कंसीलर ले सकते हो, मतलब खरीद सकते हो. या फिर आप अगर आप करेक्टर ये सब में नहीं पढ़ना चाहते, आपको बस कंसीलर रखना है, तो फिर आप कंसीलर में भी आपके एग्जैक्ट स्किन टोन का या अपने स्किन टोन से एक शेड लाइटर कम चलेगा, बट ज़्यादा नहीं करना. हो सके तो जस्ट एग्जैक्ट योर स्किन टोन का एक कंसीलर ले लेना, बस दैट विल वर्क वंडर्स फॉर यू. बस वही, क्योंकि आपकी स्किन टोन से मैच कर रहा है ना, तो आप उसको अंडर आइज कहीं पे भी लगा लोगे, आपका डिसकलरेशन ठीक हो जाएगा. बट अगर आपके बहुत ही ज़्यादा मार्क्स है, तो फिर आई वुड सजेस्ट कि आप ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का पैलेट ही ले लो, बिकॉज इसमें बहुत सारे शेड्स है, कॉन्टोर भी है, बाद में कभी आप अगर हेवी मेकअप करो इट विल बी ऑल फॉर यू. लेकिन यू कैन ऑल्सो गेट एज सेड आपके स्किन टोन का या आपके स्किन टोन से एक लाइट या डार्कर शेड कंसीलर. और आप अगर आपके बिल्कुल भी मार्क्स हैं, आपको सिर्फ थोड़ा ब्राइटन करना है, तो आप एक लाइट कंसीलर यूज़ कर लेना आपके स्किन टोन से एक शेड दो शेड लाइटर. ओके, तो सिंस आज मेरे बहुत हल्के से डिस्कलरेशन है अंडर आइज में एंड फेस भी ठीक ठाक है, तो आई जस्ट यूज़ अ कंसीलर. आई एम यूजिंग दिस ट्विस ब्यूटीज कंसीलर. ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल एंड लाइक बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल एंड अच्छा है. आप एले गर्ल का भी ले सकते हो, मेबलिन का आता है, बहुत अच्छे, मैंने वो सब ट्राई भी किया एंड वो एक्चुअली बहुत अच्छे. तो अगेन जो भी मेरे पास सजेशंस है आपके लिए, मैं नीचे आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. बस आपको एक ब्रश चाहिए, कोई भी फ्लफी ब्रश होने से हो जाएगा, एंड देन यू जस्ट नीड टू ब्लेंड इट. आप चाहो तो, और आप चाहो तो हल्का सा फोरहेड में और इधर भी लगा सकते हो. नोज ब्रिज विल बी ओके एज वेल. मतलब बेसिकली आप कंसीलर लगा रहे हो एज योर फाउंडेशन, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम नहीं है, ताकि आपका कंसीलिंग एंड फाउंडेशन दोनों का काम साथ में हो जाए. एंड या आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगे, प्रोडक्ट भी नहीं लगे, एक ही प्रोडक्ट से हो जाए. तो ये है हमारा फेस आफ्टर द सेकंड स्टेप. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड स्टेप एंड द लास्ट स्टेप फॉर टुडेज बेस मेकअप. एंड द थर्ड स्टेप इज गोइंग टू बी सेटिंग योर बेस. नाउ सेटिंग योर बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप वो नहीं करोगे तो मतलब कुछ ही नहीं होगा, लाइक आप फ्रेश नहीं लगोगे. आप जिसके लिए भी आपने ये थ्री स्टेप रूटीन स्टार्ट किया है, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कैसा भी मेकअप करो, कभी भी करो, सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. वरना आपका मेकअप आपकी जगह पर नहीं रहेगा, स्वेट कर सकते हो, बारिश में भीग सकते हो, आपका मेकअप केक ही हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है. तो सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ फॉर सेटिंग, अगर आप ड्राई स्किन टाइप से हो तो फिर आई वुड सजेस्ट कि आप एक कॉम्पैक्ट यूज करो एंड नॉट लूज पाउडर, बिकॉज कॉम्पैक्ट आपको ड्यूई फिनिश भी देगा, एट द सेम टाइम एक ऑलमोस्ट फुल कवरेज भी दे देगा आपके फेस को. एंड अगर आप ऑयली स्किन टाइप के हो मेरे जैसे, तो लूज पाउडर इज द बेस्ट, आई मीन द बेस्ट. उसके आगे आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता. सो आई क्विकली जस्ट सेट माई कंसीलर. लाइक ऑल्सो अगर आप सिर्फ कंसीलर यूज करो या करेक्टर यूज करो, लाइक बहुत मिनिमल प्रोडक्ट, तो जहाँ जहाँ आपने वो सब यूज किया है वहीं आप अगर बस सेट कर दो तो इनफ है. आपको लाइक पूरा फेस नहीं करना पड़ेगा एंड यू कैन ऑलरेडी सी द डिफरेंस, लाइक सी द डिफरेंस. ये कितना ज़्यादा फ्रेश, ये कितना ज़्यादा लग रहा है. तो या दैट्स द की. आप अगर ड्राई स्किन के हो आप तब भी लूज पाउडर यूज कर सकते हो, लेकिन फिर आपका मेकअप ना बहुत ज़्यादा केकी हो जाएगा एंड कोई मतलब बहुत गंदा सा लगेगा. तो इट्स बेटर कि आप कॉम्पैक्ट यूज करो, कॉम्पैक्ट भी बहुत अच्छा फिनिश दे देता है. एंड या वी हैव कम्प्लीटेड आवर बेस रूटीन एंड यू कैन सी द डिफरेंस. ओके, विद दैट हमारा थ्री स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है. नाउ आपके प्रेफरेंस के लिए आई विल जस्ट समराइज ऑल द स्टेप्स वंस मोर.
First, we will prepare our skin and just take care of our skin because that's very important. You don't have makeup करें ना करें, skin care is very important. तो सबसे पहला step skin care है. अच्छी तरह से skin care कर लो, पूरा ritual जो भी आप normally follow करते हो घर पर. But अगर आपके पास उतना time नहीं है तो a moisturizer and a primer is enough. But अगर आपके पास एक moisturizer and primer लगाने का भी time नहीं है तो फिर you can just use a primer. And for dry skin, आप thick moisturizer या फिर dry skin के लिए, particularly dry skin के लिए बनाया हुआ primer use कर सकते हो. So that's what you do when you have to prepare your skin. तो वो हो चुका. Now let's move to the second step. The second step is correcting or concealing. Now if you have a lot of dark spots, pigmentation, darkness around your face, then take a corrector instead of a concealer. Concealer is basically for highlighting your certain area, like utra chamkega, but agar wo area aapke skin tone se thoda dark color ka hai na, tab fir wo grayish pad jayega and you don't want that, kyunki bahut zyada dull look deta hai face ko. तो फिर अगर आपके बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन तो यूज अ करेक्टर, एंड अगर आपके कम पिगमेंटेशन है या आपके पिगमेंटेशन है ही नहीं देन यूज अ कंसीलर. फॉर करेक्टर आपको एक पीची शेड चाहिए होता है, वो भी कंसीलर ही होता है, सेम फॉर्मूला सेम एवरीथिंग, जस्ट द कलर्स आर डिफरेंट. सो अगर आप करेक्ट करने वाले हो क्योंकि आपके बहुत सारे स्पॉट्स है तो फिर आपको एक पीची शेड चाहिए, एक ग्रीन शेड चाहिए, या फिर अगर आपको ये दोनों नहीं चाहिए तब फिर एक ऐसा शेड लीजिए जो आपके स्किन से एग्जैक्टली मैच करता हो या एक शेड डार्कर हो. लाइटर नो नो नो. एंड अगर आप कंसील करने वाले हो क्योंकि आपके उतने सारे स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन नहीं है देन यू कैन टेक अ कंसीलर एक्जैक्टली मैचिंग योर स्किन टोन और एक शेड लाइटर, एक ही शेड लाइटर, ज्यादा नहीं बट फिर वो भी बुरा लगेगा. नाउ आप कंसीलर एंड करेक्टर की जगह आप कुशन फाउंडेशंस भी यूज कर सकते हो, लाइक आई हैव दिस बाय मेबलिन वेट एंड वाइल्ड का भी होता है. हम आएंगे रिकमेंडेशंस पे, फिलहाल दिस वेयर द थिंग्स यू कैन यूज फॉर करेक्टिंग और कंसीलिंग. जब आपको फाउंडेशन का टाइम नहीं रहता, यानी द बीबी और सीसी क्रीम प्लीज मत यूज कीजिएगा, प्लीज मत यूज कीजिएगा, दे लुक सो बैड लॉन्गर टाइम के लिए. और स्पेशली क्योंकि वो लोग वो सब एक ही फॉर्मूला में होता है ना, तो ड्राई स्किन ऑयली स्किन में डिफरेंट डिफरेंट नहीं होता है वो, तो इट जस्ट गिव्स वेरी बैड लुक. आई विल सजेस्ट कि प्लीज डोंट यूज अ बीबी और सीसी क्रीम एनी टाइम. अगर आपके पास बिल्कुल टाइम है तो एक कंसीलर यूज कर लो, या अगर उसके पास थोड़ा टाइम है तो बस कंसील लाइक कुशन फाउंडेशन लेकर उसके ही पैड से जस्ट पूरे फेस पे डैप कर लो, दैट्स इट. आपको कंसीलर भी नहीं लगाना पड़ेगा, बट डोंट यूज अ बीबी और सीसी क्रीम प्लीज. या आप स्किन टिंट्स भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे स्किन टिंट आते हैं, मेरे पास एक सेफोरा का था. सो या उसके बाद लेट्स मूव टू द थर्ड स्टेप. तो थर्ड स्टेप में विल बेसिकली जस्ट सेट एवरीथिंग इन प्लेस, आवर स्किन केयर एंड आवर मेकअप. सो करे सो अगर आप ड्राई स्किन के हो तो यूज अ कॉम्पैक्ट नॉट अ लूज पाउडर, एंड अगर आप ऑयली स्किन के हो देन डोंट यूज अ कॉम्पैक्ट, यूज लूज पाउडर. एंड दैट बेसिकली सम्स अप आवर थ्री स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल. ओके नाउ लेट्स कम टू प्रोडक्ट रिकमेंडेशन. सबसे पहले मैं ड्राई स्किन के सारे प्रोडक्ट के रिकमेंडेशन दे देती हूँ, फिर मैं ऑयली स्किन के दे दूँगी. फॉर ड्राई स्किन यू शुड यूज अ वेरी थिक मॉइस्चराइजर और अ प्राइमर. जो भी मैंने यूज किया, मैंने ड्राई स्किन नहीं यूज किया बट आई एम जस्ट सजेस्टिंग बस थोड़ा सा रिसर्च करके. तो इफ यू आर ड्राई स्किन तो फिर आप बहुत थिक मॉइस्चराइजर यूज करना, बहुत सारे थिक मॉइस्चराइजर्स आते हैं एक्चुअली. मैं जो यूज करती हूँ निविया का, वो भी अच्छा है. एंड लाइक मेरे पास उतने रिकमेंडेशन नहीं है ड्राई स्किन के लिए, मैं जो भी रिसर्च करके और मुझे अगर कुछ मिले मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दूँगी. बट या एंड फॉर प्राइमर आई वुड सजेस्ट कि मैं आपको कंपनी सजेस्ट कर देती हूँ, बट स्पेसिफिकली इफ यू गोइंग टू यूज प्राइमर आप ड्राई स्किन के लिए ही यूज करना. प्लीज डोंट यूज कैसे भी प्राइमर ड्राई स्किन के लिए. जो लिखा हुआ होगा बॉटल पे कि दिस इज फॉर ड्राई स्किन, वही आप यूज कीजिएगा प्लीज. एंड मैं ये मेबलिन का यूज कर रही हूँ. इसका और एक वेरिएंट आता है जो ड्राई स्किन के लिए, इट गिव्स ड्यूई फिनिश, आप वो ले सकते हैं. एंड दिस इज एक्चुअली नाइस, आई हैव यूज्ड इट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स नाउ. एंड मेबलिन का बहुत अच्छा है, लैक्मे एब्सोल्यूट वो बहुत अच्छा है. सो आप बस सर्च कर लेना कि प्राइमर्स फॉर ड्राई स्किन कहीं पर भी और आपको मिल जाएगा. नाउ लेट्स मूव टू योर कंसीलर और करेक्टर थिंग. तो इसमें बेसिकली ड्राई स्किन के लिए कोई भी डिफरेंट चीज़ नहीं है, सेम होता है सबके लिए, कंसीलर भी और करेक्टर भी. सो या और आप कुशन फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो, वो ना ऐसे आते हैं. सॉरी फॉर इसका हाल बट ऐसे भी आते हैं, इसको कुशन फाउंडेशन बोलते हैं. ये फाउंडेशन ही होते हैं बट बहुत ज़्यादा इजीली और फास्ट एप्लीकेशन होता है इनका. तो या आप ये भी ले सकते हो. नाउ फॉर सेटिंग आपको कॉम्पैक्ट यूज़ करना है, लूज पाउडर नहीं. नाउ लेट्स मूव टू ऑयली स्किन रिकमेंडेशन. इसके लिए मेरे पास बहुत है एक्चुअली. मॉइस्चराइजर आप लाइट यूज़ करें, लाइक मॉइस्चराइजर तो आपको यूज़ करना ही नहीं है, बट अगर आप बहुत जल्दी में हो तब तो मॉइस्चराइजर नहीं करना है, सिर्फ प्राइमर हो जाएगा. बट अगर आप मॉइस्चराइजर यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज़ कीजिएगा, बहुत लाइट वेट. जैसे मैं निविया का यूज़ करती हूँ वो अच्छा है. आप लोटस का यूज़ कर सकते हो, आप फेस शॉप का यूज़ कर सकते हो, लाइक मॉइस्चराइजर बेसिकली जो भी बहुत ज्यादा लाइट वेट पॉन्ड्स का यूज कर सकते हो, जो बहुत ज्यादा लाइट वेट है ना बस वो यूज कीजिएगा. नाउ प्राइमर के लिए आप स्पेसिफिकली ऑयली स्किन के लिए बना प्राइमर यूज कीजिएगा, जैसे मेबलिन का ये वाला है जो इसका ड्राई स्किन का भी वेरिएंट है, इसका ये ऑयली स्किन का वेरिएंट है. इट्स मेबलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस नॉर्मल टू ऑयली प्राइमर विद क्ले. तो दिस इज रियली रियली गुड. एंड जो रिकमेंडेशंस मैंने ड्राई स्किन के लिए दिया वो बेसिकली ऑयली स्किन के लिए भी आता है. जस्ट फाइंड योरसेल्फ अ प्राइमर फॉर ऑयली स्किन, कंपनी कोई भी हो सकता है बट स्पेसिफिकली इसमें लिखा होगा कि ये ऑयली स्किन के लिए है या ये ड्राई स्किन के लिए है, या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए या सेंसिटिव स्किन के लिए. तो आप ऐसे करके कर सकते हो. नाउ लेट्स मूव टू योर मेकअप. सो मेकअप के लिए अगेन कंसीलर या करेक्टर में ऑयली ड्राई का कोई बात नहीं रहता, आप कोई भी यूज कर सकते हो. इट जस्ट शुड
मैच इट जस्ट शुड बी ओके फॉर योर स्किन. लाइक अगर आपके पास पिगमेंटेशन एंड स्पॉट्स है, ऑयली स्किन में जो होने का चांसेस बहुत होता है बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं हमें, तो फिर आप करेक्टर यूज़ कीजिए. एंड अगर आपके वो सब नहीं है, सिर्फ हल्का सा कहीं डार्क कहीं लाइट है जो नेचुरल कॉन्टोर्स होते हैं हमारे फेस के, नेचुरल शेडो, तो फिर आप एक कंसीलर यूज़ कर सकते हो. नाउ लेट्स मूव टू सेटिंग. सेटिंग कम बैक, नो, लूज पाउडर इज द की. एंड लूज पाउडर के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन है. के ब्यूटी इज रियली रियली गुड. Lakme is good as well, जो मैं यूज़ करती हूँ. एंड देर इज़ वन मोर कंपनी दैट हैव यूज नाइका. नाइका इज रियली रियली गुड. फिट में बहुत अच्छा है. तो ये बेसिकली कुछ ब्रांड्स एंड कंपनी एंड वेरियंट्स है जो मैंने यूज़ किया एंड रियली रियली लाइक ऑल. सो या ये है कुछ ड्राई एंड ऑयली स्किन टाइप के रिकमेंडेशन. एंड अब आते हैं करेक्टर एंड कंसीलर के रिकमेंडेशन पर. करेक्टर के लिए मैंने कोई करेक्टर पैलेट आज तक यूज़ नहीं किया सिवाय इसके, एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. ये एक इन्वेस्टमेंट लगता है मुझे बिकॉज इसमें इतने सारे शेड है. हालांकि मैंने ये पर्पल तो कभी यूज़ नहीं किया, बट उसके अलावा सारा मेरे यूज़ में आता है. सारा का सारा कैन सी मैंने सारा थोड़ा यूज़ किया, बस पर्पल नहीं बिकॉज पर्पल मेरे कभी यूज़ में नहीं आया. पर्पल इज़ बेसिकली आपके पेल स्किन को थोड़ा कलर दे देता है. ओके, सो कंसीलर के लिए आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी का कंसीलर. इसके बहुत अच्छे रिव्यूज सब देते हैं, बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगता. आई डोंट नो क्यों, नहीं पता, मेरी स्किन को शायद सूट नहीं करता, बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगता. बट अफोर्डेबल रेंज में बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है. बहुत ही अच्छे से ग्लाइड हो जाता है. जस्ट मेरे फेस में हल्का केकी, वो मेरा भी गलती हो सकता है बिकॉज मैं आई क्रीम लगाना हमेशा भूल जाती हूँ. बट ऐसे ये बहुत ही अच्छा है फॉर लाइक इन अफोर्डेबल रेंज. एंड इसके अलावा यू कैन यूज फिट मीज कंसीलर, इट्स गुड एज वेल. एवलिन का कंसीलर भी बहुत अच्छा है, एले गर्ल का भी बहुत अच्छा है. एंड या बेसिकली मैंने यही सारे बस यूज़ किए हैं एंड मुझे तो ये सारे बहुत अच्छे लगे. सो दिस वर ऑल फॉर टुडेज़ रिकमेंडेशंस एंड स्टेप्स. आई रियली होप यू एंजॉयड द ट्यूटोरियल. नाउ लेट्स कम टू कि आपको फेस पे अगर आपको थोड़ा कलर देना है, इट्स एन एक्स्ट्रा स्टेप. ओके, आपको करना ही है, ऐसा नहीं है. बट अगर आपको लग रहा है नहीं ऐसे तो मैं कहीं नहीं जा सकती, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको फेस पे अपना थोड़ा तो यू नो कलर देना होगा, वरना ये बहुत ज़्यादा पेल लुक देता है. तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप ना ये मेटेलिक लिपस्टिक ले सकते हो, ठीक है, ये नाइका का है, या कुछ टिंट ले सकते हो. लिपस्टिक एंड आई टिंट आता है, फेस शॉप का बहुत अच्छा है. तो अगेन मैं वो जो भी मुझे मिलेगा ऑनलाइन, मैं उनका सारे का लिंक जो थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन मुझे पता है मैं नीचे आपके लिए दे दूँगी. बट मेरे पास ये नाइका का मेटेलिक आई शैडो है शायद. सो ये मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली, बिकॉज आप देख सकते हो कि क्या आप करता है. ये आप अपने चिक में यूज़ कर सकते हो, लिप्स में यूज़ कर सकते हो एंड आईज में. मुझे थोड़ा नाक में लगाना पसंद है. एंड बस इसको कोई भी आप एक ब्रश ले लीजिए, कोई भी ब्रश, छोटा ब्रश भी चलेगा. एक्चुअली मैं छोटा ही यूज़ करती हूँ जो मैं पूरे फेस के लिए कर रही हूँ. बस इसको ऐसे राउंड कर लीजिए लिप्स में भी, नोज में, आईज में. सो ये बहुत ज़्यादा कलर दे देता है आपके फेस को. मैं लिप्स में थोड़ा और लगा लेती हूँ. दैट्स इट. तो आप ये ले सकते हो, या बेसिकली कोई लिपस्टिक भी चल जाएगा, कोई भी क्रीमी या लिक्विड लिपस्टिक, लेकिन मैट नहीं, क्योंकि मैट आपके स्किन में ब्लेंड होने में बहुत टाइम लगेगा और फिर वो क्विक मेकअप नहीं होगा. तो कोई भी क्रीमी या लिक्विड लिपस्टिक आप यूज़ कर सकते हो एज अ ब्लश, लिपस्टिक एंड आई शेडो. तो लिपस्टिक भी काम कर देगा, टिंट काम कर देंगे. ये मैंने यूज़ किया, ये भी बहुत अच्छा है. नाउ अगर आपको स्किन में आपको और थोड़ा कलर देना है, तो आप आईलाइनर, काजल, मस्कारा कुछ भी यूज़ कर सकते हो. वो सब बहुत ही ज़्यादा ऑप्शनल है, लेकिन ये आपके फेस में बेसिकली लाइक अ ब्लश, लिपस्टिक एंड आई शेडो. आपके फेस में जो कलर बहुत ज़रूरी है रोज़ के लिए वो दे ही देता है. तो आप काजल ये सब नहीं भी लगाओगे तो चलेगा. जैसे मैं आज ऐसी छोड़ने वाली, बिकॉज ये तो मेरे फेस में सब कुछ ही कर दिया. मैं एक मस्कारा लगा सकती हूँ, बट दैट्स अगेन वेरी वेरी ऑप्शनल. एंड या ऐसे आपका बस मेकअप कंप्लीट हो जाता है. सो आई होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल, इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू. एंड जैसे कि मैंने कहा, जितने भी प्रोडक्ट के बारे में मुझे पता है जो आपका हेल्प हो सकता है, मैं नीचे ड्राई एंड ऑयली स्किन के लिए अलग अलग से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिख दूंगी. आप जस्ट उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो. अगर आपको किसका लिंक चाहिएगा तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं खोज कर आपको दे दूंगी. एंड विद दैट वी आर डन विद टुडेस वीडियो. आई रियली रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था एंड हेल्पफुल था. ये बहुत ही ज्यादा सिंपल, क्विक एंड डे लाइक स्किन लाइक मेकअप ट्यूटोरियल है जो कि आप डे टू डे लाइफ में कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा. एंड आई रियली रियली लाइक इट कि जब भी मुझे, मैं अष्टमी में बाहर गई थी, ओके, मैंने ऐसा ही डिटो सेम मेकअप किया था. मैंने सिर्फ इसके साथ हल्का सा लाइक लाइनर एंड मस्कारा लगाया था. उसके अलावा दिस वाज द मेकअप लुक आई डिड इन पूजा. एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना ज्यादा स्किन लाइक फिनिश देता है एंड कितना ज्यादा कंफर्टेबल है आपके स्किन पर. प्रोडक्ट्स भी उतने नहीं लगते, नेचुरल लगता है. तो बेसिकली ऑल इन वन पैकेज है. सो या आई रियली होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू. एंड इफ इट वाज, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है. तो एंड आई शुड मीट यू सून विद येट अनदर वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे स्माइलिंग. सायनारा.